हिंदुस्तान की सबसे शाही और खूबसूरत शादियों की बात की जाएगी तो सरजमीन हिंदुस्तान के ताज कश्मीर का ही नाम आएगा। कहते हैं जोड़ियां जन्नत में बनती हैं, तो सोचिए जन्नत की शादी कैसी होगी। आइए मेरे साथ आप भी कश्मीर की मेहमान नवाजी कबूल कीजिए। आपका खैर मकदम है। एक दिन श्रीनगर से मेरे स्कूल के बचपन के एक दोस्त का फोन आया। बोला, मेरे कजन की शादी है, कश्मीरी वेडिंग देखना चाहोगे? मेरे मन में फौरन आतिशबाजियां छूटने लगी। मैंने दावत कबूल की और अगले ही दिन बर्फीली वादियों के ऊपर से रुई नुमा बादलों पे तैरते हुए हमारा हवाई जहाज पहुंच गया जन्नत, यानी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। हिमालय और पीर पांजल की पहाड़ियों के बीच इस घाटी का नाम संस्कृत जबान के हर्फ कश्मीरा से पैदा हुआ और मौर्य बादशाह अशोका की तो राजधानी ही थी ये श्रीनगरी। कभी कारकोता तो कभी उत्पला, कभी शाहमीर तो कभी मुगल, कई हुकूमतों ने ताज बदले, बस नहीं बदल पाई तो हिंदुस्तान के इस ताज की ये कश्मीरियत। जहांगीर ने क्या खूब कहा है, गर फिरदौस बर्रू ए जमीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इस जमीन पर अगर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। आज से रस्मों का आगाज होगा क्योंकि आज मेंस रात यानी मेहंदी रात है। मैं इस जश्न के आगाज का एक लम्हा भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं सीधे वाजवान की तैयारी वाले रंगीन शामियाने में जैसे ही दाखिल हुआ, मेरे यार ने मेरा जोश भरा इस्तकबाल किया। गले लगो यार। लॉन्ग टाइम। और मुझे अपने दस्तरखान से रूबरू कराना शुरू किया। अब शामियाने में वाजवान की तैयारियों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। मोटी साबुत पेड़ नुमा लकड़ियां बड़े अनोखे ढंग से सीधी लगाई गई थी और उसके ऊपर कलाई वाली कुछ छोटी कुछ बड़ी एक दर्जन डेग और डेगचियां तेज आंच की लपटों पे सुर्ख हो रही थी। और ये वाजे यानी वाजवान के कारीगर इन डेगचियों को अपने इशारे पे घुमा घुमा कर किसी में सुर्ख लाल, किसी में सब्ज, किसी में जाफरानी तो किसी में सफेद रंग के वाजवान के मुख्तलिफ जायकों की तैयारी कर रहे थे। और कुछ वाजे भेड़ के गोश्त को वाजवान की हर डिश के हिसाब से अलग अलग बहुत सजा के काट रहे थे। ये तैयारियां आज शाम के मेहंदी रात के मेहमानों के लिए की जा रही हैं। मेहंदी रात का वाजवान थोड़ा हल्का होता है, इसलिए इस शाहाने वाजवान के सिर्फ 15 जायके परोसे जाएंगे। बीटन इनटू अ पेस्ट, ये ऐड होता है उसमें टॉप पे और इसको इतना बीट किया जाता है फिर से रेड हो जाता है। अदरवाइज बिल्कुल इशू ना सफेद जैसा रला होना चाहिए, ये व्हाइट हो जाता है लेकिन इतना उसको पीटते हैं फिर से रेड हो जाता है, फिर से ग्रीन होता है। ये मिलता है ना उसके साथ, इससे रिश्ते में वो सॉफ्ट फील आता है। जब रिश्ता बाइट करते हो अंदर मटन जैसा नहीं लगता, ऐसा लगता है चीज केक जैसा है अंदर से, वो इससे आता है। चीज केक में ग्लूटेन डालता है, इसमें फैट डाल देते हैं। लेकिन अभी का लंच तो और भी हल्का है और इसके लिए वाजवान के सिर्फ 4 जायके परोसे जाएंगे, हाक, कलेजी, रोगन जोश और टमाटर पनीर। इसमें बन रहा है वर्ल्ड फेमस कश्मीरी हाक, कश्मीरी साग। कश्मीरी खाते हैं साग, मीट वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले साग खाएंगे और सबको बहुत पसंद होता है, मुंज हाक बोलते हैं उसको। इन दोनों देखो मैं होगा कश्मीरी हाक। पालक की शक्ल के इन साबुत पत्तों को उबालने के बाद हल्दी, सौंफ और कुछ हल्के मसालों में देर तक पकाया गया। फिर वाजे ने खोलते हुए घी में कश्मीरी मिर्च से तड़का लगाकर ये हाक तैयार कर दिया। ये सरवन है। दिस इज व्हाट? सरवन। सरवन इज बेसिकली व्हाट? ऑर्गन मीट। ऑर्गन मीट। ऑर्गन मीट। कलेजी भी जबरदस्त खुशबूदार कश्मीरी मिर्च और मसालों में तेज आंच पे देर तक भूनी जा रही है। कलेजी की डेग से झांकता हुआ ये गाढ़ा लाल सुर्ख शोरबा देखने में ही बहुत लजीज लग रहा था।
और सरमन। ये टमाटर और पनीर, और यहाँ की पनीर फ्राइड होती है पहले, जैसे बाहर कच्ची पनीर डाल देते हैं साल में, यहाँ पहले फ्राई होती है। ये बन रही है वो। वाजा टमाटर पनीर बहुत मोहब्बत से बना रहा था। पहले पनीर सुनहरा होने तक देर तक तला गया, फिर वाजे ने टमाटर और कश्मीरी मिर्च के एक घोल से हल्का मगर गाढ़ा शोरबा लगा के डेग हल्की आंच पे देर तक भुनी। डेग से इतनी प्यारी खुशबू उठी, वाह, मैंने इससे खूबसूरत पनीर की डिश कभी नहीं देखी। रस के बदले ये मिर्ची डाला, फिर उससे बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। जी हाँ, उसी में पकाने, मिर्ची में पकाने, मिर्ची में ही पकेगा। खाना तैयार होने में अभी वक्त था, इसलिए मुझे फ्रेश होने के लिए घर के अंदर आने की दावत दी गई और कहा आप थोड़ी देर में हमाम रूम में आ जाइए, वहाँ एक नई रस्म की तैयारी शुरू होने जा रही है। फ्रूट्स हैं यहाँ पर और सब चीजें धीरे धीरे पैक हो रही हैं इन गोल्डन बॉक्सेस में। यहाँ उम्दा किस्म के ड्राई फ्रूट्स शाही नक्काशी वाले सुनहरे बॉक्सेस में सलीके से सजा के रखे जा रहे हैं। ये सुनहरे बॉक्सेस मेहंदी पे आए मेहमानों को तोहफे के तौर पे दिए जाएंगे। घर के लोग ही इस तैयारी में लगे हुए थे। ये एक रस्म है और यहाँ पर इस ट्रेडिशन में ये चीज फॉलो की जाती है। मैंने भी उनका हाथ बटाने की इजाजत मांगी। मैं भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, थोड़ी सी आई कैन जस्ट। इन सुनहरे बॉक्सेस में पहले एक मुट्ठी पिस्ता, फिर बादाम और काजू, उसके ऊपर बिखराई कुछ नरम किशमिशें। बॉक्सेस की दीवार से लगाकर चार सूखे अंजीर, अजवा खजूर और खुबानी भी रखी गई। ऊपर से सूखे नारियल का एक चौकोर टुकड़ा लगाकर ये खूबसूरत तोहफा तैयार किया। ठीक है। इधर जैसे ही सारे बॉक्सेस तैयार हो गए, शामियाने से मेहमानों को लंच की दावत भी आ गई। यहाँ बड़े बड़े घर होने की वजह से शादियों का सारा इंतजाम घर पे ही होता है। भूख बहुत जोर से लगी थी और मैं तैयार होके वाजे के पास सीधे पहुंच गया, तो वो कोयलों पे रखी तैयार चावल की डेग से गर्मा गर्म चावल परोसने की तैयारी कर रहे थे और मुझे बाकी मेहमानों के साथ शामियाने में बैठने के लिए कहा। कश्मीरी अदब के एतबार से एक शख्स ने कलाई वाले सुनहरे तश्त नीर में गुनगुने पानी से पहले सभी मेहमानों को हाथ धुलवाए, फिर फौरन एक लंबा सा सफेद दस्तरखान बिछा दिया। दस्तरखान बिछते ही सफेद बोन चाइना की एक प्लेट सभी मेहमानों के आगे बड़े ही अदब से रखी जाने लगी। प्लेट में खुशबूदार मोटे चावल के ऊपर बीचों बीच साबुत हाक का शोरबा और गाढ़े शोरबे में भेड़ की रसीली कलेजी सजी हुई थी। फिर वाजा एक डेगची में लाया रोगन जोश और एक एक पीस सबको परोस दिया। मैंने कलेजी और हाक का एक गहरा निवाला बना के पहला जायका लिया और फिर चखा ये जबरदस्त रोगन जोश। बहुत अच्छा बनाया। वाह, क्या जबरदस्त जायका है। फिर वाजा आज की चौथी और आखिरी डिश टमाटर पनीर भी ले आया। वाह, हर लुकमे में जायकों की गहराई में खोता चला गया। वाकई में ऐसा नायाब जायका दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। खाना खत्म होते ही तश्त नीर में गर्म पानी से फिर से हाथ धुलवाए गए। ऐसी जबरदस्त मेहमान नवाजी तो वाकई दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। कुछ ही घंटों में मेहंदी रात शुरू हो जाएगी, तब तक मैं जाके आराम करता हूँ और शाम को वादिये कश्मीर की मेहंदी की रस्मों से आपको वाकिफ कराता हूँ अगले एपिसोड में। And Kashmir is usually only eat rice with the wazwan. Yeah, roti to yahan se bimar khate hai. And overweight people. Aur sabzi bhi. Haan. Aath. Aur kitni ban rahi hai dishes aaj yahan wazwan mein kitni ban rahi hai total? Total kitni ban rahi hai? Total bani ke 15 tak. 15 dishes ban rahi hai. Complete wazwan mein aajkal ab kitni dish bana rahe hain aap aaj? Complete mein banate hain 20 kabhi 25 kabhi.